हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को बनाने में न तो आटे को गूंथना है न ही बेलना है, झटपट से बन जाने वाली क्विक और इजी रेसिपी है। तो चलिए इस हेल्दी नाश्ते को बनाना देखते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं गाजर। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के गाजरों को हमने ग्रेट करके लिया है और 1 बड़े साइज के प्याज को चॉप कर लिया है। साथ ही 1 बड़े साइज के टमाटर को छोटे टुकड़ों में काटा है। आधा कटोरी ग्रेट किया हुआ गोभी लेंगे। सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन। लहसुन प्याज आप खाते हैं तो ठीक है, वरना स्किप कर दीजिए। 2-3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अब हम ले रहे हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे रोटियां बनाते हैं। साथ ही लेंगे 2 बड़ा चम्मच सूजी। और अब मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 बड़े चम्मच दही, ये फ्रेश दही है। अब 1/4 चम्मच इस पर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो पहले इन्हें हम ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जिस कटोरी से हमने आटा नापा था उसी से नाप के 1 कटोरी पानी इसमें डालेंगे और चलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमें पानी लेना है, तो बिल्कुल परफेक्ट घोल बन के तैयार होगा। और सब्जी अभी पानी छोड़ेंगी तो इसे अब हमें बढ़िया से फेंट लेना है, अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये लीजिए, यह घोल हमारा सब्जी और आटे का बन के तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कुछ इस तरह का हमें घोल तैयार करना है। ना बहुत पतला रखना है ना बहुत गाढ़ा रखना है। जब इसे हम कलछी से गिराएं तो इस तरह से गिरना चाहिए। अब इसे हमें रेस्ट को नहीं रखना है बल्कि डायरेक्ट फ्राई करना है। तो ऑयल को गर्म करेंगे और 1-1 कलछी बैटर डालेंगे। बैटर हमें बिल्कुल एक ही जगह पर डालना है। ये देखिए, जहाँ पर हम डालना स्टार्ट करेंगे बस वहीं डालेंगे, इसे फैलाना नहीं है। यह खुद ही फैल जाएगा और बड़ों का शक्ल ले लेगा। ये देखिए, बहुत ही आसान है इसको बनाना। ना तो बेलने का झंझट है ना गूंथने का, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। अब थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालेंगे और नीचे के साइड से हो जाने के बाद इसे पलट देंगे। तो चलिए पलट लेते हैं। ये देखिए, नाश्ता हमारा कितना फूला फूला बन रहा है। बिल्कुल फ्लफी नाश्ता बन के तैयार होता है, एकदम सॉफ्ट अंदर से रहता है। अब इस नाश्ते को हमें बढ़िया से कलर आने तक फ्राई कर लेना है और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। फ्लेम को हम लो नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल आ जाएगा। चलिए, अब ये नाश्ता हमारा फ्राई हो गया है तो इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और बाकी के नाश्तों को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, कलछी को हमें एक ही जगह रखना है और बैटर गिराना है और थोड़ी सी ऊँचाई पर रखते हुए बैटर गिराना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे बैटर गिराएंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। अब जब एक साइड से हो जाएगा तब इसे हमें पलटना है। दोनों साइड से नाश्ते को क्रिस्पी होने तक, बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है और फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। तो ये लीजिए, दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इस नाश्ते को बनाने में बहुत कम समय लगता है। सिर्फ अगर आपने घोल बना के रखा है तो 5 मिनट में ही एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ लीजिए, नाश्ता हमारा फ्राई हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही में हेल्दी भी होता है। इसे चलिए तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए, अंदर से पूरी जालियाँ पड़ी हुई हैं, एकदम सॉफ्ट नाश्ता है। जबकि ये ऊपर से क्रंची है लेकिन अंदर से देखिए एकदम जालीदार और सॉफ्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है। छोटी मोटी भूख हो या बच्चों को टिफिन में देना हो या फिर शाम की चाय हो या फिर आपके घर मेहमान आ गए हों, तो झटपट से ये क्विक और इजी रेसिपी बना के तैयार कर लीजिए। सब्जियां आपके पास जो भी मौजूद हों वो डाल दीजिए, बहुत ही फटाफट से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।